हाय, मैं रश्मि देवर्षी, रश्मि फूड ट्विस्ट में आपका स्वागत। आज मैं आप सभी के साथ में मावा की कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी लेफ्ट ओवर मावा, जो मलाई से मैंने पहले घी निकाला, फिर घी के बाद जो मावा बनता है उससे मैं आप सभी के साथ में ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। इस कप से नाप रही हूं, 2 कप मैदा। इसमें 1 टेबल स्पून सूजी और 1/4 कप पिघला हुआ घी। ये 1/2 कप का नाप है, 1/4 ले रही हूं घी। इसमें मेल्ट कर लें इसको, घी को। ये अब हुआ 1/4 कप। इसके बाद पहले इसको अच्छे से मिलाएं। जब तक मैदे में पूरा मोयन ना लग जाए, इस तरह से बंद जाना चाहिए। अब इसका डो बनाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल के कचौरी जैसा आटा लगा लें। इसमें 1/4 कप पानी जाएगा और जरूरत हो तो और ले सकते हैं। इसमें अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको एक बार और मसल लें, 1/2 टीस्पून घी डालकर। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, कवर करके रख दें इस तरह से, जब तक हम मावे के मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यदि हम बाजार से लाके मावा यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा भूनते हैं। ये डायरेक्ट के मलाई से जब घी निकालते हैं तो ये अपने आप ही इतना भुन जाता है, तो इसे हमें भूनने की जरूरत नहीं है। कई बार बटर से निकालते हैं तो इतना मावा नहीं निकलता है, पर ये जब आप मलाई से डायरेक्ट घी निकालते हैं तो काफी सारा मावा इसमें निकलता है। तो इसको पहले थोड़ा सा अच्छी तरह से, इसके लम्स जो पड़े हैं इसको खोल लें अच्छी तरह से इसको। तो इसलिए हम यहाँ नहीं भून रहे मावा, ये भुना ही हुआ है। अब इसमें एक टेबल स्पून बादाम की कतरन, 1 टेबल स्पून पिस्ते की कतरन, 1 टेबल स्पून नारियल का चूरा। यहाँ मैं चीनी ले रही हूँ, ये शुगर पिसी नहीं ले रही हूँ मैं, यहाँ पर साबुत वाली है। 2-4 टीस्पून चीनी,
ये एक बोल मावा था, ये वाला बोल मिला के आप देख लें तो कप से नापे तो ये 1.5 कप होगा मावा। इसमें दाने वाली चीनी यूज करी है, इसमें थोड़ा सा जायफल किस लें 1/4 टीस्पून, दो बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची और 4 लौंग, इसको थोड़ा सा कूट लें दरदरा। ये कुट गया दरदरा, इसमें डाल दें इलायची लौंग और छोटी इलायची, बड़ी इलायची छोटी इलायची, और इसको अच्छे से मिला लें। एक बार टेस्ट कर लें, अगर चीनी कम लगती हो तो आप इसमें और डाल सकते हो, पर 1.5 कप यदि मावा है आपके पास में तो आप इसमें 4 से 5 टीस्पून दानेदार वाली चीनी डाल लें। चलिए अब कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आटे को थोड़ा सा मसल लें, यहां मैं तेल में फ्राई कर रही हूं, आप चाहे तो घी में फ्राई कर सकते हैं कचौरी को। तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, कचौरी का साइज जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यह 9 से 10 कचौरी तैयार हो जाती है 2 कप में। जिस तरह से कचौरी भरते हैं उसी तरह से इसको इसमें मसाला भरेंगे इस तरह से। इसको प्रेस कर दें अच्छी तरह से मसाले को। एक टेबल स्पून मसाला गया है इसमें, जिससे दाल की कचौरी बनाते हैं उसी तरह से इसको तैयार कर लें। बहुत पतली नहीं करना है इसको, ये तो मसाला बाहर आ जाएगा इसमें तलते समय। सभी इसी तरह से तैयार कर लें, ये चारों तैयार कर लिए अच्छी तरह से। ध्यान रखें खुले नहीं है और तेल भी गर्म हो चुका है, गैस को स्लो कर दें। पहले एक डाल के देख लें, एक साथ ना डालें। गैस को बिल्कुल धीमी रखें। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करें।
धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने दें। बीच बीच में इसको पलटते जाएं कि जैसे सभी तरफ से एक सी सीखे। यदि आपको दालचीनी का फ्लेवर पसंद हो तो इसमें आप इसी दालचीनी भी डाल सकते हैं इसमें मावे में। और ये थोड़ी सी मोटी रखनी है, बहुत पतली नहीं करनी है। इस तरह से इसको भर लें। अभी मैं यहाँ 3 से 4 से 5 ही बना रही हूँ, तो आप इसी तरह से सारी तैयार कर लें। बीच बीच में पलटते रहें, थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। कचौरी समोसा जब भी आप बनाएं या ये मीठी कचौरी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में। तो मीडियम फ्लेम में इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने दें। अभी थोड़ी सी और बाकी है, एकदम गोल्डन ब्राउन करनी है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक यहाँ मैं बताने जा रही हूँ कि चाशनी कैसे बनाइए। एक कटोरी चीनी ली थी, उसमें एक कटोरी ही पानी और 1/4 टीस्पून नींबू का रस, 4 से 5 इलायची के दाने डालकर इसको मैंने उबाल लिया। बहुत गाढ़ी नहीं करनी है हमें, गुलाब जामुन की जैसे होती चाशनी वैसे ही रखनी है। कचौरी तैयार हो गई है फ्राई होके, अब निकाल लेते हैं इसको प्लेट में, गैस ऑफ कर दें। बाकी सारी भी इसी तरह से आप फ्राई कर लें। सीधे सर्विंग प्लेट में ही निकाल लें इसको। इसमें हल्का सा थोड़ा सा पहले होल कर लें, इसमें थोड़ा ठंडा होने दें पहले इसको, फिर कर लें। एक दूसरी भी इसी तरह से कर लें इसमें होल। इसमें हमें चाशनी डालना है अंदर, अभी ये गर्म में पी जाएगी चाशनी तो अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। उसको थोड़ी देर रखे रहने दें इसमें चाशनी में। इसको आधे घंटे के लिए प्लेट में ही इसी तरह से रहने दें, जब तक कचौरी पूरी चाशनी ना पी जाए। इसको
ये आधे घंटे के बाद खाने के लिए तैयार हो जाएगी, तो जब तक आप इसको इसी तरह से चाशनी में ही रहने दें। तो चलिए, रेसिपी आप सभी के लिए तैयार है। यदि आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई करें और बनाकर देखें। ये लेफ्ट ओवर मावा बचा हो तो आप इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे तो बर्फी भी बना सकते हैं या सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई करें और कमेंट जरूर करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कि जिससे मैं जो भी रेसिपी लाऊं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आधे घंटे के बाद आप इसको खा सकते हैं। थैंक यू।